हेलो फ्रेंड्स, टेक ओमेगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो मेल अकाउंट होता है उसमें हमारा सिग्नेचर कैसे इंसर्ट किया जाता है, सिग्नेचर के साथ बनाया जाता है और उसके लिए क्या क्या सेटिंग करनी होती है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे अपने ई मेल अकाउंट में। ये हमारे मेल अकाउंट का क्लासिक व्यू है। क्लासिक व्यू में हमें जाना है सेटिंग्स, देन पर्सनल सेटिंग, यहाँ पर मिलेगा हमें सिग्नेचर। ये सिग्नेचर विंडो पूरी तरीके से ब्लैंक है। अब हम इसमें अपना सिग्नेचर क्रिएट करेंगे। सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नाम, देन डेजिग्नेशन, कंपनी का एड्रेस, ये कोई वेबसाइट है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है या हेडलाइन नंबर है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई लोगो है जिस पर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है पहले से ही बना के रख ली। नाम आ गया, डेजिग्नेशन, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और कंपनी की वेबसाइट। अब मैं इसमें एक लोगो इंसर्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों, लोगो इंसर्ट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको पहले डिसाइड करना है कि लोगो का जो साइज़ है क्या रखना है, पैरामीटर क्या होना चाहिए, कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो आपको पहले डिसाइड करनी है। अगर आपने उसकी लेंथ और विड्थ ज़्यादा रख दी तो यहाँ पर वो सिग्नेचर छोटा जो लोगो है वो तो छोटा दिखेगा, बट जब आप मेल कंपोज करेंगे और किसी को मेल सेंड करेंगे तो वो जो लोगो है पूरे मेल बॉडी पर स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको जो लोगो इंसर्ट करने से पहले आपको पहले उसका पैरामीटर डिसाइड करना होगा। लोगो पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है, यहाँ देखिए हमने ये लोगो पहले से इंसर्ट कर बना के रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये जो लोगो है एग्जैक्ट इसी साइज़ में हमारे मेल सिग्नेचर पे दिखे। तो जो साइज़ है हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, प्रॉपर्टी देन डिटेल। ये देखिए जो इसका डायमेंशन है 111x45, विड्थ है इसकी 111 pixels एंड हाइट है इसी 45 pixels। नाम है और कंपनी नेम इन दोनों के बीच में लोगो है, तो हम इसको यहाँ पे स्पेस देते हैं। यहाँ पे इंसर्ट इमेज के जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं, चूज फाइल, ओपन। ये जो लोगो का साइज है यही एक्चुअल साइज, आपका जब मेल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वहाँ पर भी यही साइज दिखना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली इंसर्ट सिग्नेचर इन कंपोज विंडो। ये ऑप्शन पे अगर हम टिक नहीं करेंगे तो जब भी कोई मेल कंपोज करेंगे ये सिग्नेचर ऑटोमेटिकली उस पर नहीं जाएगा, तो इसको टिक करना जरूरी है। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो कि आप सिग्नेचर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कंपनी का कोई पैटर्न बना हुआ है, कोई कॉपीराइट पॉलिसी बनी हुई है, तो आपको सिर्फ उसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लेटर हेड हैज बीन सेट, सिग्नेचर हैज बीन सेट। ठीक है, वही
आइए अब इसको चेक करते हैं। सपोज मेरे ये देखिए सिग्नेचर हमारा यहाँ पे आ गया है। अगर ये ऑप्शन हटाते हैं तो क्या होगा, थोड़ी चेक कर लेते हैं। अनचेक देन ओके देन पोस्ट। ये देखिए इस मेल पे सिग्नेचर नहीं आ रहा है। तो मेल बॉडी पर एक ऑप्शन होता है जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, और हाँ अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।